2026 में T20, अभी अगले साल तो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, वहाँ पर इंडिया खेलने जाएगी। अभी बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी को भारत खेलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान में? नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान, क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे इतना सीज वो होता है, सुरक्षा आतंकी हमला होता है भाई, प्लेयर भी यही बोलते हैं और हमारे देश के जो उच्च स्थानीय पद पर बैठे हुए हैं वो भी बोलते हैं कि हमारी देश की सेना से बढ़कर क्रिकेट नहीं है। सीमा उस पार से हमले होते रहेंगे तो भाई क्रिकेट लगातार वहाँ पर हम जाके नहीं खेल सकते हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने फील्ड में लगभग 17 अरब रुपये खर्च किए हैं कि हाँ कि चैंपियंस ट्रॉफी कोई हो, क्योंकि बहुत दिन से वहाँ पर कोई बड़ा लीग हुआ है नहीं। भारत वैसे वहाँ पर जाने वाला है नहीं, क्योंकि भारत अगर देखा जाए क्रिकेट में तो सबसे बड़ा BCCI बोर्ड है, सबसे बड़ा। अगर BCCI ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा तो ICC की हिम्मत नहीं है कि हाँ वो उसको टाल दे। अगर भारत ये बोल देगा मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाऊँगा तो उसको भाई ICC नहीं नकार सकता है। ICC ने देखो जो बाई लैंग्वेज सीरीज होती हैं, जैसे दो देशों के बीच में मुकाबला होता है, जैसे भारत श्रीलंका का मैच हो रहा है तो श्रीलंका बोर्ड और BCCI भारत का बोर्ड दो मिलकर वो क्रिकेट कर रहे हैं, इसमें दो ही का हाथ है, इसमें ICC का हाथ नहीं है, जो दो मैच दो देशों का सीरीज होता है। लेकिन जो पार्टिकुलर होता है, जैसे कोई चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, जैसे एशिया कप हो गया, इस तरह से हो गया, ऐसे सीरीज हो गया, ऐसे कुछ होते हैं जो ICC करती है। तो जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, उसको ऑर्गेनाइज किया ICC के द्वारा हुआ था। अब सोचो कि ICC अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप कराया था, उसमें ICC को 160 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। रीज़न क्या था कि सही प्लेस न सेलेक्ट करना। अमेरिका में क्रिकेट कराया जहाँ पर क्रिकेट का क्रेज है ही नहीं, वहाँ क्रेज भी नहीं है और वहाँ पे पहली बात तो सुविधाएं उस तरह की गाय भी नहीं थी। 100 दिन के अंदर स्टेडियम तैयार किया गया था। हाँ। पहली बात तो वहाँ पे बारिश होने लगी थी, ऐसे जगह कराना चाहिए जहाँ पे मौसम अच्छा हो। अच्छा हो। और उसके बाद वहाँ पर देखने लायक बने। फील्डिंग वहाँ पर बॉलिंग पिच बना दिए थे, इस तरह से गेंद टिप पड़ने के बाद कहाँ पर जाती थी, पिच इतना धीमा था कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे। 200 रन वेस्ट इंडीज मैच होता था 200 रन तो बन जाते थे, अमेरिका में वही मैच होता था तो वहाँ पर तो भाई 130 रन कोई बना ले, 40 रन बना ले, बहुत बड़ी बड़ी बात होती थी। जब किंग कोहली नहीं खेल पा रहा था वहाँ पर, तब फिर कोहली अपना किंग उससे हाँ। अच्छा UAE में करा देते, वो सही रहता है। UAE तो हाँ सही रहता है, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही कारण था, देखो ICC को T20 वर्ल्ड कप में 160 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर भारत बोल देगा कि मैं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाऊँगा तो ICC का दोबारा लॉस हो जाएगा। BCCI जो बोलेगा ICC उसको करेगा। भारत का सीरीज चाहे श्रीलंका में हो पाकिस्तान के साथ या फिर जाके दुबई में हो, लेकिन पाकिस्तान तो भारत खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया है तो मैं तो आपकी बहुत अच्छी मेजबानी करूँगा, तो आप क्या बोल रहे हैं उसके लिए बताइए। देखिए अगर वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ अगर जिम्मा लें तो जा सकता है भारत, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या आप पाकिस्तान के ऊपर आग मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? भरोसा वहाँ कर सकते हैं, क्रिकेटर पे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो वहाँ पे आतंकवादियाँ जो रहते हैं, एक बार वहाँ पे श्रीलंका गई 2009 में, हाँ। वहाँ पे उनकी गाड़ियों पे काफिला चलते हुए लोगों आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, उसमें कई खिलाड़ी श्रीलंका के चोटिल हो गए थे, कुछ कोचों को गोली लग गई थी बांह में, इसीलिए कोई अब वहाँ जाने के लिए राजी नहीं होता। रिस्क नहीं लेता। पहले भारतीय टीम भी वहाँ पर जाती थी खेलने के लिए, लेकिन फिर बाई लैंग्वेज सीरीज होना बंद हो गया। उसके बाद भाई जो ICC के मैच होते हैं वो तो भारत खेलेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि वह सारे पूरे वर्ल्ड की टीमें रहती हैं, उसको तो मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह से श्रीलंका के साथ हमला हुआ था बस पे, वहाँ पर घायल हो गए थे श्रीलंकाई प्लेयर, हो क्या गारंटी? वहाँ पर देखो जो मैच होता है ना, वहाँ पर दर्शक भी घुस जाते हैं बहुत सारे बदतमीजी करने के लिए, ग्राउंड के अंदर घुस जाते हैं। और सबसे बड़ी क्या है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वहाँ की आर्मी खुद उसको चलाती है, वहाँ पर केवल नाम मात्र की पार्टी बनी रहती है। तो वहाँ की तो भाई पूरी आर्मी ही वही आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी जो है वही पूरी सेना तो वो देश को देखती है, वही उन्हीं के माध्यम से आतंकवादियों को भी ट्रेन किया जाता है। अब ऐसा नहीं खिलाड़ियों को, देखो खिलाड़ी के ऊपर तो भाई विश्वास किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हर कंट्री में अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह रहते हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। 90% लोग पाकिस्तान में अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। 10% लोग ऐसे हैं जो हाँ जिनका दिमाग थोड़ा कम सही है, वो टेररिस्ट टाइप के हैं, उनकी वजह से अगर 1% लोग भी इस तरह से हो जाते हैं तो वहाँ पर मैच होना पॉसिबल है नहीं। कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी अटैक कर सकता है, किसके ऊपर क्या हो रहा है आज की देख रहे हैं, जिस तरह से अभी भी श्रीनगर में देख रहे हैं हमला हो रहा है, सीमा उस पार से घुसपैठिए भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान आर्मी उनको ट्रेन करके भेज रही है। तो भाई भारत को तो नहीं जाना चाहिए कभी खेलने के लिए, अब भारत कभी जाएगा नहीं। वहाँ की सरकार पहली बात तो नहीं लेगी, सरकार वहाँ पर खुद ही सुरक्षित नहीं रहती है। पाकिस्तान में कोई सरकार बनती है तो अगर एक समय ऐसा आ जाता है, इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री थे, हाँ
जब वो खुद ही नहीं संभल पाए तो वो आने वाले चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जो हो वहाँ पर इमरान खान खुद ही एक क्रिकेटर थे, क्रिकेटर नहीं बहुत अच्छे बेस्ट वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर में से एक नाम आता है इमरान खान का। और पाकिस्तान में एक तो ऐसा देखा जाए कि पाकिस्तान की बैटिंग तो वहाँ पर थोड़ा कम अच्छी रहती है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए भाई जाने जाते हैं वहाँ पर, एक से एक बढ़कर बॉलर हमेशा आए पाकिस्तान ने दिया है। और बल्कि जो इस समय हो सकता है कि हाँ एक बॉलिंग कोच है पाकिस्तान के, मोनी मर्कल भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के भी कोच हैं इस समय, तो भाई भारत के लिए अगर वो बॉलिंग के असिस्टेंट कोच हो जाए तो इससे अच्छा क्या है। हो सकता है भाई पाकिस्तान को छोड़कर वो आए भी, और गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को ये दिया था कि हाँ मोनी मर्कल होने चाहिए भारत के बॉलिंग कोच, तो भाई बीसीसीआई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है असिस्टेंट कोच के लिए, तो हो सकता है भाई मोनी मर्कल अगले बांग्लादेश के साथ जो सीरीज होने जा रही है उसमें हो सकता है दिखें। आपके हिसाब से भारत के में बॉलिंग कोच किसे होना चाहिए? भारत में भी बहुत सारे अच्छे फील्डर हैं, बहुत सारे अच्छे बॉलर हैं, तो बॉलिंग कोच भारत में जो असिस्टेंट कोच कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर चयन हो तो लक्ष्मीपति बालाजी का। बालाजी जहीर खान और बालाजी में आपको बालाजी को रिकमेंड करेंगे? बालाजी को है। अब ये बताओ फील्डिंग कोच में आपको इसको रिकमेंड करेंगे? हाँ जैसे जॉन्टी रोड्स को तो रिकमेंड किया था बेस्ट फील्डिंग कोच हैं, लेकिन बीसीसीआई ने उसको खारिज कर दिया था। आपके हिसाब से भाई कौन कोच होना चाहिए कि हाँ मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ को बॉलिंग कोच होना चाहिए आपके? फील्डिंग कोच आपके हिसाब से होना चाहिए। अब वैसे बैटिंग के लिए तो भाई गौतम गंभीर एज ए कोच है ही फिलहाल इस समय, बॉलिंग कोच के लिए जहीर खान को आप रिकमेंड करते हैं? बॉलिंग के लिए जहीर खान को रिकमेंड कर रहे हैं।